टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग विंडो मेक अफ टेन थिंग्स दैट यू कैन सी आउटसाइड योर विंडो रूमीज आपको आपके विंडो के बाहर जितनी भी थिंग्स आपको दिखती है आपको ऐसे टेन थिंग्स का नेम यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक नाउ इन योर नोटबुक मेक टू कॉलम्स थिंग्स दैट मूव एंड टॉक एंड थिंग्स दैट डू नॉट मूव एंड टॉक दैन जो आपने लिस्ट बनाई है आपको उसके टू कॉलम्स बनाने हैं एंड देन इन दैट टू कॉलम्स यू हैव टू लिस्ट दैट थिंग्स दैट कैन मूव एंड थिंगस दैट कैन नाट मूव put the 10 things on your list under the correct columns now living things things that have life are called living things for example human beings plants and animals it means anything that is alive grows breathes and has babies that is called a living thing so there are three types of living things: humans, plants and animals. We are humans and so we are living things. Hum log ek, hum humans hai, so we are living things. Your pet, dog, or cat is an animal. Birds also belong to the animal family. Hence, they are living things too. All the plants. Big or small belong to the plant family, these are living things as well. Now, non living things things that do not have life are called non living things, for example, book, house, and pan. See, students, jo book, hai, house, hai, pan. Hai. ना तो वो टॉक कर सकते हैं ना वो वॉक कर सकते हैं ना ना वो ब्रीथ कर सकते हैं सो दे आर नॉन लिविंग थिंग्स बट ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स दे कैन डू ऑल द थिंग्स दे कैन ब्रीथ दे कैन ग्रो सो दे आर लिविंग थिंग्स नाउ लेट सी अ डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स सी एज यू कैन सी इन द स्लाइड There are two columns living things and non-living things. First, living things can eat and drink, but non-living things cannot eat and drink. Second, living things can breathe, but non-living things cannot breathe. Third, living things can move, but non-living things Cannot move. Fourth, living things can grow, but non living things cannot grow. Fifth, living things give birth to young ones, but non living things cannot give birth to young ones. Now, eat and drink. Living things need food and water. टू लिव जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें वाटर और फूड चाहिए होता है सर्वाइव करने के लिए वी हैव थ्री मील्स अ डे एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर बिकॉज वी नीड फूड एंड वाटर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी वन डे में कितनी मील्स होती है थ्री मील्स एंड दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू सर्वाइव वी फीड पेट्स रेगुलरली वी ऑल्सो प्लांट्स वी ऑल्सो वॉटर प्लांट्स डेली जो पेड्स होते हैं उनको भी डेली फीड करना पड़ता है और जो प्लांट्स होते हैं वी हैव टू वॉटर दैम डेली नाउ द एयर वी ब्रीथ लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिव विदाउट ब्रीथिंग वी ऑल नीड एयर टू ब्रीथ जो लिविंग थिंग्स होती है वो ब्रीथिंग के बिना नहीं रह सकती सो वी ऑल लीड एयर टू ब्रीथ ह्यूमन्स यूज द नोज एंड द माउथ टू ब्रीथ जो ह्यूमन्ते हैं वो क्या यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए देयर नोज एंड माउथ प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स ऑन द लीव्स एंड एनिमल्स ब्रीथ इन मैनी डिफरेंट वेज Now, movement. Living things move. Most animals have four limbs which they use to walk or run from one place to another. As you can see in the picture, that a plant's how a plants move, how animals move, and how human beings move. We have two legs that help us walk, run, jump. and make many other movements plants cannot move they are always rooted in one place जो plants होते हैं वो move नहीं कर सकते वो एक जहाँ उनका roots होता है वो single वहीं पर place रहते हैं but animals can move and human beings can move now growth we are bigger now then we were when we were बॉर्न जब आप छोटे बॉर्न हुए थे जब आप बॉर्न हुए थे जब आप बहुत छोटे थे बट नाउ यू आर वेरी बिगर वी कैन वॉक वी कैन टॉक इन शॉर्ट वी हैव ग्रोन अप अब आप खुद चल भी सकते हो आप किसी से टॉक भी कर सकते हो खुद मतलब आप अच्छे से ग्रो हो गए हो अब सिमिलरली प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो टू जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो भी ग्रो कर सकते हैं एज यू कैन सी इन द स्लाइड ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो जो लिविंग थिंग्स होती है वो सब ग्रो करती है नाउ यंग वंस लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस ऑल एनिमल्स हैव यंग वंस डेट ग्रो अप टू बिकम लाइक दैम जो लिविंग थिंग्स होती है वो अपने यंग वन को बर्थ देती है और जो एनिमल्स अपने यंग वन को बर्थ देते हैं वो एग्जैक्टली exactly उन एनिमल के जैसे ही दिखते हैं विन प्लांट्स मेक सीड्स जो प्लांट्स होती है वो सीड्स बनाती है वेना सीड इज इन सॉइल एंड वाटर रेगुलरली अ न्यू बेबी प्लांट ग्रोज फ्रॉम इट जब प्लांट सीड ग्रो करती है और जब वो सीड को हम सॉइल में डालते हैं और डेली वाटर देते हैं उन सीड्स को तो क्या होता है एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है